मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैथ गुरु लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 6 का। जैसे कि सवाल नंबर 6 में बताया जा रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज के अंतक कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। तो यह आपको प्रूफ करना है कि साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू है कॉस ए बाई टू का। तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्वेश्चन पर अच्छा से गौर करेंगे कि बताया जा रहा है कि ए बी और सी त्रिभुज के अंतक कोण है। तो इस बात को हम लोग पहले समझ लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। जैसे कि एक त्रिभुज अगर हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं तो त्रिभुज जो है वो समबाहु त्रिभुज हो, ए बी और सी यहाँ अंतक कोण हो। अंतक कोण मतलब ये अंदर का जो कोण होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अंतक कोण। और हम लोग जानते हैं तीनों अंतक कोणों का योग 180 डिग्री के होते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री के होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर नीचे में लिख सकते हैं कि हम जानते हैं त्रिभुज के अंतक कोणों के योगफल 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब हम लोग जो है जैसे कि हम लोग इक्वेशन को हम लोग पता कर लिए कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री है, तो हम दोनों पक्षों में या तो किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं या हम उसको भाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे कि यहाँ पर नीचे में दो है तो हम यहाँ पर इसको दो से दोनों पक्षों को भाग लगा देते हैं। साइड में आपको ये मेंशन कर देना है कि दोनों पक्षों को दो से भाग देने पर यह हो गया। नेक्स्ट हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एंगल ए बाई टू प्लस एंगल बी बाई टू प्लस एंगल सी बाई टू इक्वल टू, इसको अगर काट देते हैं तो 90 डिग्री हो जाएंगे। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं 90 डिग्री। अब जैसे कि हम लोग यहां एंगल नहीं देने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि हम लोग के पास यहां पर कहा जा रहा है कि बी बटे दो सी बटे दो है, बी बटे दो प्लस सी बटे दो बराबर 90 डिग्री। ए को हम लोग इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस ए बाई टू, क्योंकि प्लस में है। जैसे ही ये बराबर के इस ओर आएंगे तो इसका चेन बदल जाएंगे, ए बाई टू का प्लस में है इसका माइनस में हो गया। अब हम लोगों को जैसे कि सवाल में है साइन है तो हम लोग इन दोनों पक्षों को साइन से गुणा करने पर, तो यहां पर मेंशन कर देंगे हम लोग छोटा से कि दोनों पक्षों को साइन से गुणा करने पर। तो दोनों पक्षों में अगर हम लोग साइन को लगा देते हैं तो चलिए इसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं, तो 2 एलसीएम हुआ तो यहां पर बच जाएगा b और यहां से बच जाएगा c इक्वल टू, इसको भी हम लोग इधर लग देते हैं 90 डिग्री माइनस a बाई टू, और दोनों में हम साइन से इंटू कर देते हैं। तो चलिए यहां भी साइन लिख दिए और यहां भी साइन को लिख दिए, तो साइन बी प्लस सी बाई टू साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। जैसे कि हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग चाहे तो यहां पर नोट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन बी प्लस सी बाई टू, इसको हम लोग लिख देंगे साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होते हैं आपको पता है, कॉस ए होते हैं। तो हम लोग लिख देंगे कॉस
ए, ए यानी ए बाय टू। तो दैट्स इट, ये आपका सॉल्व हो गया, ये प्रूफ भी हो गया। देखिए यहां पर साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू, तो हम लोग ने भी इसको प्रूफ कर दिया है। तो नीचे आपको लिख देना है प्रूफ। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये मैथ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके लिए कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इसका रिप्लाई आप तक पहुंचाने का। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं हर रोज लाते रहता हूँ। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है, जय हिंद।